एनएसओ क्लास 6 में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 होते हैं और टाइम दिया जाता है 1 घंटे का। पैटर्न और सिलेबस को डिटेल में जानने के लिए आप वीडियो को यहाँ पे पॉज करके पढ़ सकते हैं। साइंस एलेवन आर्ट के लेवल 1 और लेवल 2 भी होते हैं। अगर लेवल 1 क्वालिफाई होता है तो आप लेवल 2 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। क्वेश्चन 1, x इज टू द साउथ वेस्ट ऑफ y, l इज टू द ईस्ट ऑफ x एंड साउथ ईस्ट ऑफ y एंड m इज टू द नॉर्थ ऑफ l इन लाइन विद xy, इन विच डायरेक्शन ऑफ y इज m लोकेटेड। ये हो गए 4 डायरेक्शन जो कि है नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट, और इनके बीच में से जो एग्जैक्टली निकलता है वो हो गया ऑर्डिनल डायरेक्शन, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। अब पहला स्टेटमेंट क्या है, x इज टू द साउथ वेस्ट ऑफ y, सो यहाँ पे हमें मिल गया क्या, x एंड y। नेक्स्ट स्टेटमेंट है l इज टू द ईस्ट ऑफ x, तो हमें यहाँ पे l की भी डायरेक्शन पता चल गई है। थर्ड स्टेटमेंट हो गया साउथ ईस्ट ऑफ y, l कहाँ पर है, साउथ ईस्ट ऑफ y, सो ये हमने ड्रॉ कर लिया y l वाला लाइन। m इज टू द नॉर्थ ऑफ l, ये हो गई लाइन ड्रॉ ऊपर की तरफ जो कि नॉर्थ की तरफ है, सो यहाँ पे हमें मिल गया है m की पोजीशन जो कि इन लाइन विथ x y है। फाइनली हमें बताना है कि कौन से डायरेक्शन में y के m लोकेट है, सो यहाँ क्लियरली आप देख सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लोकेटेड है, हेंस करेक्ट ऑप्शन इज डी, नॉर्थ ईस्ट। क्वेश्चन 2, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स विल कंप्लीट द गिवन फिगर मैट्रिक्स। सो हमें फाइंड करना है कि ये जो बीच में ब्लॉक दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क में, वहाँ पे कौन सा फिगर आएगा। सेकंड वाली रो में जब हम देखेंगे तो आउटर में एक सर्कल है, अंडर में एक सर्कल है और उसके अंदर स्क्वायर बना हुआ है, बट उसके नेक्स्ट वाले पार्ट में क्या हुआ है कि आउटर वाले सर्कल को हटा दिया गया और सिर्फ इनर वाला पार्ट जो है सर्कल इंक्लूडिंग द स्क्वायर लाइन वो अंदर दिया गया है, और थर्ड वाले ब्लॉक में बीच वाला सर्कल को भी मिस कर दिया गया और सिर्फ ये प्लस वाली साइन ही दी गई है। ऑन सेम पैटर्न जो है लास्ट वाली रो में भी रिपीट हो रहा है, सो यहाँ पे हमें पैटर्न पता चल गया है। सो फर्स्ट वाले में बाहर में स्क्वायर है, अंदर में स्क्वायर है, देन लाइंस है। उसी तरीके से जब सेकंड वाले ब्लॉक में जब हम उसे पेस्ट करेंगे तो क्या होगा कि बाहर वाली जो स्क्वायर है उसे हम हटा देंगे और सिर्फ अंदर वाला जो पिक्चर है उसे हम लाएंगे। सो वो वाला पिक्चर हमें कहाँ पे दिख रहा है, कौन से ऑप्शन में, यस ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 3, इफ ऑल द वॉवल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द सीरीज गिवन बिलो, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज 9 टू द राइट ऑफ 12th लेटर फ्रॉम द राइट एंड। सबसे पहले तो हम वॉवल्स जो कि है ए ई आई ओ यू उसको रिमूव कर लेते हैं यहाँ पर से। ये हमने सारे वॉवल्स यहाँ से रिमूव कर दिए हैं। अब हम क्या ढूंढेंगे, 12th लेटर फ्रॉम द राइट एंड। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सो 12 लेटर हो गया एल। अब एल की तरफ से हमें राइट साइड जाएंगे तो हमें 9th लेटर बताना है कौन सा है। सो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, 9th लेटर हो गया पी, हेंस करेक्ट ऑप्शन इज डी पी। क्वेश्चन 4, रिफर टू द गिवन फ्लो चार्ट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ये जो है सोर्स ऑफ फाइबर्स दिए गए हैं, एक तरफ है प्लांट से जो ऑप्टेन किए गए हैं, सो प्लांट्स में है 2 जो कि है ऑप्टेन फ्रॉम स्टेम, उसका नंबर दिया गया है W। फाइबर जो स्टेम से मिलता है वो है फ्लेक्स, एंड जो फ्रूट से मिलता है वो है कॉटन। अब एनिमल्स के अंदर में दिया गया है एनिमल इज हार्म्ड, तो एनिमल हार्म करके जो हमको फाइबर मिलता है वो है सिल्क, जो सिल्क मौत के द्वारा मिलता है, और एनिमल्स को बिना हार्म किए जो फाइबर मिलता है उसे कहते हैं वूल, जो कि वूल्स के ऊपर उसको शेव करके जो मिलता है हमें वूल। करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज W इज फ्लेक्स एंड Z इज वूल। क्वेश्चन 5, विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट्स इज प्रेजेंट बिटवीन थाई बोन एंड शिन बोन। करेक्ट ऑप्शन इज ए, हिंज जॉइंट। क्वेश्चन 6, अ स्मॉल कंपास इज प्लेस्ड बिसाइड द मिडल ऑफ अ बार मैग्नेट, इन विच डायरेक्शन विल द कंपास नीडल पॉइंट। सो ये कहाँ पे पॉइंट करेगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, मतलब साउथ की तरफ एरो उसका होगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन 7, 3 ग्लासेस पी क्यू एंड आर हैविंग इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर वर टेकन एंड इक्वल अमाउंट ऑफ सॉल्ट वाज एडेड टू ईच वन ऑफ देम।
After that, P was cooled, Q was heated, and R was left undisturbed. Water in which glass will now taste most salty? P, Q, R यहाँ पे glass दिया हुआ है, उसमें same quantity में water को डाल दिया है and same quantity of salt भी add कर दी गई है, वो एक चम्मच हो या पांच चम्मच हो वो नहीं दिया गया हुआ है। और P को यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि उसे cool कर दिया गया। तो कूल जब करते हैं तो वो जो सॉल्ट का जो कंटेंट है, वाटर का भी कंटेंट है, न घटता है न बढ़ता है, वो एज इट इज रह जाता है। ग्लास क्यू के बारे में क्या बताया जा रहा है कि उसे हीट किया गया। तो जब हम हीट करते हैं तो प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन शुरू हो जाता है, यानी कि वो जो लिक्विड है वो थोड़ा सा और कॉन्सेंट्रेटेड यानी गाढ़ा होने लगता है और जो सॉल्ट की जो वाटर की क्वांटिटी है वो घट जाएगी और सॉल्ट जो कंटेंट होगा वो हमें लगेगा टेस्ट में ज़्यादा सॉल्टी लगने लगेगा। एंड ग्लास आर को किया गया था कि वो लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, मतलब उसको ना गर्म किया गया ना ठंडा किया गया, उसको एज इट इज़ रख दिया गया। तो उसका ना टेस्ट घटा है ना बढ़ा है, वो वैसा है कि वैसा ही था। सो यहाँ पे जब पूछा जा रहा है कि कौन सा जो ग्लास है उसका कंटेंट सबसे ज़्यादा सॉल्टी लगेगा, तो वो हो जाएगा ग्लास क्यू का, जिसको कि बॉयल यानी हीट किया गया था क्योंकि उसमें एवापोरेशन का प्रोसेस किया गया था। हैंस करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज क्यू। क्वेश्चन 8, टू बॉयज आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर एज शोन इन द गिवन फिगर। इफ बॉय वाई वॉक्स 5 मीटर टुवर्ड्स बॉय एक्स, देन हाउ फार अवे वुड बॉय वाई अपीयर टू बी इन द मिरर टू बॉय एक्स। डिस्टेंस बिटवीन एक्स और वाई क्या दिया हो गया है, 12 मीटर्स, और वाई वाला जो लड़का है वो एक्स की तरफ कितना मूव हुआ, 5 मीटर्स। तो अब कितना डिस्टेंस बच गया, 12 माइनस 5 दैट इज 7 मीटर्स। और एक्स जो लड़का है वो कितना दूरी पर है मिरर से, 2 मीटर्स की दूरी पर है। सो 2 मीटर प्लस 7 मीटर इज इक्वल टू 9 मीटर, वो डिस्टेंस हो गया जितना कि बॉय वाई अपीयर टू बी इन द मिरर टू बॉय एक्स। Hence, option A, 9 meters is the correct option. Last और most important section जो है वो है achiever section और इसका हर एक question 3 marks का होता है। Question 9, observe the given diagram carefully and fill in the blanks. जैसा कि हम देख सकते हैं इस diagram में 5 blanks दिए गए हैं जिनका नाम है P, Q, R, S, N, T. So, one by one करके हम इस blank को solve करते हैं। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं ब्लैंक पी से, जो कि दिखा रहा है कन्वर्जन ऑफ आइस टू वाटर। बर्फ जो होती है जब पिघल के पानी बन जाती है तो उस प्रोसेस को कहा जाता है मेल्टिंग। सो हमें यहाँ पे ब्लैंक पी मिल गया है जो कि है मेल्टिंग, और वो है ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में। तो यहीं पर हम ऑप्शन ए और ऑप्शन बी को कटआउट कर लेंगे। सेकेंड हम ढूंढेंगे क्यू वाले ब्लैंक को, तो इसमें दिया गया है ये वाटर से स्टीम बन रहा है। सो वाटर से जब स्टीम बनता है उस प्रोसेस को कहा जाता है बॉइलिंग। सो यहाँ पे हमें हमारा क्यू भी मिल गया है, और बॉइलिंग वाला ऑप्शन जो क्यू में है वो है ऑप्शन सी में। तो हमें पता चल गया है कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। आर वाले ब्लैंक को हम बता देते हैं, स्टीम से जब वाटर की तरफ कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को कहा जाता है कंडेंसेशन। एस वाले ब्लैंक में दिखा रहा है वाटर से बन रहा है आइस, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है फ्रीजिंग। अब आ गई ब्लैंक टी की बारी, और इसमें क्या हो रहा है, वाटर से वाटर वेपर बन रहा है, सो इस प्रोसेस को कहा जाएगा इवापोरेशन। Hence, correct option is C. Question 10. A balloon attached to a hollow glass tube was submerged in a container of water as shown here. Rohan placed his mouth over the open end of the glass tube and blew air into it. He observed that the water level in the container rose. This experiment tells us that air dash. So, यहाँ पे क्या दिया गया है, एक ये कंटेनर है जिसमें के कुछ अमाउंट ऑफ वाटर भर दिया गया है, और बीच में जैसा कि आप देख सकते हैं ग्लास ट्यूब है, ऊपर से एक एंड उसका खाली है और दूसरे एंड की तरफ एक बलून को अटैच कर दिया गया है। रोहन क्या करता है, ऊपर जो ग्लास एंड जिस तरफ से खाली है उसमें से अपने मुँह से हवा भरता है और वो बलून में जाके ऑक्यूपाई होती है और बलून बड़ा होते जाता है। सो ये जब बड़ा होते जाता है वो क्या दिखता है, उसमें मास होता है यानी उसका वेट बढ़ जाता है, और सेकेंड ऑप्शन जो है स्टेटमेंट, वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है।
तो जब बलून स्पेस ऑक्यूपाई करने लगता है तो जो कंटेनर में पानी होता है उसका लेवल ऊपर आ जाता है। सो इस एक्सपेरिमेंट से दो चीज़ें साबित हो जाती हैं, पहली तो ये कि एयर को कुछ वेट है यानी कि हैज मास, और दूसरी कि एयर ऑक्यूपाई स्पेस। सो स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, दैट इज स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू ओनली।